साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, एक हाथ में फोटो लेकर खड़े हैं, इनका नाम सतीश है। सतीश अपने भाई का फोटो लेकर हाथ में खड़े है। मामला क्या है पूरा आपको मैं जानकारी के साथ बता देता हूं। उससे पहले इस पोस्ट को फटाफट एक बार शेयर कर दो साथियों, फिर आपको पूरी जानकारी के साथ पूरा मामला बता रहा हूं। इनका नाम किशोर है, किशोर पुत्र रतनलाल, जाति के ये दर्जी है, निवासी सरदारपुरा है, बाड़मेर, इनका जिला बाड़मेर है, तहसील पुलिस थाना सिटी कोतवाली है। साथियों, ये किशोर सुबह 9 बजे बिना बताए घर से निकल गया था। परेशान परिजन है जो सुबह से परेशान हो रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं, इनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब जगह पता कर लिया, मगर किशोर का अभी तक कोई पता तक नहीं है। इसके बाद जो किशोर के भाई है सतीश कुमार, वो पुलिस थाना सिटी कोतवाली पहुंचे, इन्होंने परिवाद दी। मामला क्या है साथियों, घर से लापता क्यों हुआ है, विवाद क्या है, वो पूरा अपन सतीश से जानेंगे, पूरी सतीश अपन को जानकारी देंगे। उससे पहले साथियों, आपको ये भाई कहीं भी दिखाई दे, देख लो आप, मैं नज़दीक से इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, आपको कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत इनके जो ऊपर नंबर मैं लिखूँगा कैप्शन में, फ़ोन पे नंबर, फ़ोन नंबर, उन फ़ोन नंबर पे इनसे संपर्क करना, आपको उचित इनाम दिया जाएगा साथियों। तो ये देख लो, शक्ल इनकी देख लो, ये भाई किशोर है, किशोर पुत्र रतनलाल, जाति के ये दर्जी है साथियों, सरदारपुरा बाड़मेर के निवासी है। चलो इनके भाई है जो, उनसे बात करते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं, आखिर मामला क्या है, घर से लापता क्यों हुआ है, कोई पैसों का मामला है, घर का विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, क्या मामला है। चलो इनके भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश, ये कब किशोर कब घर से लापता हुआ, क्यों हुआ, क्या विवाद है? ये सुबह 9 बजे घर से रवाना हुआ था। हाँ। और वापस फोन वगैरह हमने लगाया, फोन सुबह 9 बजे से इसका स्विच ऑफ ही आ रहा है। हाँ। हमने बहुत कोशिश की, अभी तक मिला नहीं है। हाँ। और हम हर जगह जहाँ रिश्तेदारों में वगैरह सबका पता कर लिया, अभी तक वो मिला नहीं है। विवाद क्या है, कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। ये सुबह 9 बजे इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा, अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्यों गया, किस लिए गया। सुबह घर पे किसी को कह के निकला था? नहीं, कुछ नहीं, तो रोज के दुकान के टाइम निकलता है, दुकान के लिए जो टाइम था उस टाइम निकला। हाँ। वापस हमने इसको फोन लगाए, फोन इसका स्विच ऑफ आ रहा है सुबह 9 बजे से। तो आपने तब कोई पता किया, कोई इस पे कोई पैसे वैसों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक हमें कुछ अभी जानकारी नहीं है, बस इतना ही पता है कि 9 बजे से ये गायब है। हम इसको फोन वगैरह लगा रहे हैं। हाँ। इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं, फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। मामला क्या है, कुछ तो मामला होगा ना, गया तो घरेलू होगा? घरेलू कोई मामला नहीं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये सुबह 9 बजे से गायब है और इसका फोन स्विच ऑफ है। शादीशुदा है, कुंवारा है? शादीशुदा है, इसकी 2 बच्चियां है। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जिस किसी को मिले मेरे से संपर्क करे, हम उसको ज्यादा उचित इनाम देंगे। हाँ। और भाई तू जहाँ कहीं भी है, घर पर लौट के आ जा, सबकी तबीयत खराब है, जहाँ कहीं भी तो अगर पोस्ट देख भी रहा है तो जल्दी से घर आ जा, बस यही कहना है। मोबाइल पर क्या मोबाइल नंबर आपके, आपको संपर्क करे तो कैसे करेंगे? मेरा मोबाइल नंबर है 9413942888। एक बार मारवाड़ी में बताओ। 94 13 94 28 88 94 13 94 28 88 94 28 88। साथियों ये नंबर है इनके, आप संपर्क करना, इनको कॉल करना, आपको उचित इनाम दिया जाएगा। ये भाई की तस्वीर है, देख लो एक बार और, ये भाई की तस्वीर है, देख लो, फटाफट शेयर कर दो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक बार शेयर जरूर करना साथियों, ताकि ये किशोर तक पोस्ट पहुंचे और किशोर को पता चले घर में सबकी तबीयत खराब है, भाई किशोर जल्दी से घर आ जा, या इनसे संपर्क कर ले, फ़ोन करके इनसे बात कर ले, ताकि इनको एकदम मतलब ये धीरज बांध ले, इसलिए परेशान हो रहे हैं, फटाफट एक बार इनसे बात कर ले। धन्यवाद।